मैं हूं मोहम्मद समीर अमजद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल MSA। आज इस वीडियो में मैं आपको JF-17 थंडर बी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर ही हुई है। हत्ता कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर ही मैनुफैक्चर हुए हैं। तो इसका वेट जो विदाउट लोड है 6411 और विद लोड 12474। विद लोड का मतलब ये है कि उसके ऊपर अगर असला जात उसके ऊपर लोड होंगे तो वो विद लोड कहलाएगा। तो ये ट्विन सीटर है कि एट अ टाइम इसको 2 pilots इसको फ्लाई ओवर कर सकते हैं और इसके जो रडार है वो बहुत इन्हांस है और इसका जो रडार बहुत ही इस न्यू टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा रेंज के ऊपर कवरेज कर सकता है। तो जो इसका इंजन है वो सिंगल है, इसको क्योंकि अभी ये अभी अंडर डेवलपमेंट है तो इस वजह से इसको डबल इंजन किया जाएगा, लेकिन अभी इसको ट्रेनिंग के तौर पे लिया जाएगा। तो लेकिन अगर इसको किसी जंग के ऊपर भेजा जाए तो ये बहुत अच्छी कारकर्दगी परफॉर्म करेगा और इसके अंदर सारे वो फीचर हैं जो F-16 जहाज़ के अंदर मौजूद हैं। तो ये इसी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि F-16 से बहुत सस्ता भी है और पाकिस्तान इसको बेचेगा भी। और इसकी जो कॉस्ट है वो $15 million है, ये बहुत सस्ता है क्योंकि दूसरे जो एयरक्राफ्ट्स आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो इसके जो बम इसके ऊपर लग सकते हैं या इसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स लग सकती हैं वो आपने सुना होगा राड मिसाइल के बारे में, जो राड क्रूज मिसाइल है, तो वो भी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इजीली फिट हो सकता है और इजीली निशाना अपने दुश्मन को बना सकता है। और 16 जो एयरक्राफ्ट है वो म्यांमार एक मुल्क है, उन्होंने पाकिस्तान से लेने का फैसला किया है और तीन जो एयरक्राफ्ट है वो नाइजीरिया ने लेने का फैसला किया। तो और इंशाल्लाह 2022 या 2023 के अंदर पाकिस्तान 5th generation JF-17 थंडर तैयारा लॉन्च करेगा, जो पाकिस्तान ही बनाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।